बच्चों नमस्कार, सबको गुड आफ्टरनून। देखिए बच्चों, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ये बच्चों पाठ का नाम है दैट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे, जो आज आपको पढ़ाऊंगा। इसका बाकी वाला पार्ट जो है द रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन, जो इसका बाकी पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, हालांकि पार्ट हमने शुरू कर दिया था। तो यू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 118। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द लास्ट पेरा। ठीक है बच्चों, इस पेज के ऊपर जो लास्ट पेरा दिया हुआ है, ठीक है, द लास्ट पेरा एट पेज नंबर 118 जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सुनेंगे आप। आई हैंडल्ड द लेटर केयरफुली। नहीं नहीं बच्चों, ये कंप्लीट हो गया था। यू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 119। इसके ऊपर नीचे से ऊपर आप जब चलेंगे तो जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो, आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम। देखो बच्चों, उसके पास उसके भाई का खत आया है कि गांव के अंदर दोनों बिननियों के मध्य एक विवाद हो गया है, अ डिस्प्यूट इज अराइजन बिटवीन द टू सिस्टर इन लॉज। यानी दो जो बिननियाँ हैं, मेरा मतलब है कि जो परिवार की जो दो बहुएँ हैं, वधुएँ, उन दोनों वधुओं के मध्य एक बात को लेकर के विवाद हो गया था, विवाद उठ खड़ा हुआ था। पत्र इस आशय का था कि जितना जल्दी हो सके आप जो है घर आ जाओ, जितना जल्दी हो सके तो आप घर आ जाओ। तो हम गांव में बच्चों कहावत के तौर पे कहते हैं, अगर तुम जो है ब्याड़ू भी कर रहे हो तो चलो आकर के यहीं बढ़ना। कहने का मतलब ये हुआ कि तुमको इस काम को बहुत ही शीघ्र निष्पादित करना चाहिए। और वो जो परिवार का विभाजन होने जा रहा था, द डिवीज़न ऑफ द फैमिली दैट वॉज गोइंग टू बी डन, जो होने जा रहा था, तो उसमें क्या था बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ बाबुली, और बाबुली प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसेबल। उस काम में क्या था कि बाबुली की जो मौजूदगी थी वो अपरिहार्य थी। इतनी बात बच्चों हमने की थी। अब बच्चों आगे वाली बात कुछ यूँ है कि जब वो अपनी पत्नी को आके बताता है कि हमारे परिवार में विभाजन हो जाएगा, तो उसकी पत्नी इस खबर को सुन करके बिल्कुल भी परेशान नहीं होती है, बिल्कुल भी दुखी नहीं होती है। वो बहुत धैर्य और बहुत ही सब्र के साथ इस बात को सुनती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो परिवार का विभाजन उसके लिए कोई परेशानी का सबब नहीं है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो परिवार के विभाजन के लिए तो वह सदियों से बेकरार थी, वो तो बहुत लंबे समय पहले से ही इस बात के लिए प्रतीक्षारत थी। और जब उसने कहा कि गांव की जमीन जरा हम क्या करेंगे, हमारे बांटे में जो जमीन आएंगी, हमारी पाते में जो जमीन आएगी उसको हम बेच देंगे, अगर हम नहीं बेचेंगे तो हमारी जमीन जरा के अंदर हमारी जो भाई भुजाई हैं वो पैदा करेंगे, वो फायदा उठाएंगे, तो वाई शुड अदर्स टेक बेनिफिट फ्रॉम आवर लैंड। हमारी जमीन जरा से दूसरे लोग क्यों कर फायदा उठाएं, बिना बात ही क्यों फायदा उठाएं। तो हम उस जमीन को बेच देंगे, उसके बदले में पैसे ले लेंगे। वो पूछती है कि लगभग पैसा कितना आएगा। तो पति, हालांकि उसके दिल के तो हजारों टुकड़े हो गए, लेकिन दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, इतनी परिस्थिति के बावजूद भी, इतनी दैन्य अवस्था के बावजूद भी, उसने अपने अपनी जो अपना जो गम है, अपना जो दुख है, उसको अपने चेहरे के ऊपर क्या नहीं होने दिया, प्रकट नहीं होने दिया। और अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उसने क्या बोला कि कोई 20,000 रुपये हमारे हिस्से में आएंगे। अब वो लिस्ट बनाती है कि साहब 20,000 के अंदर हम ये सामान खरीदेंगे। और रात के समय जो है वो उसके बहुत करीब आती है बेड के ऊपर, और उसको प्यार से समझाती है कि जैसे ही 20,000 रुपये तुम्हारे हाथ में आए, पूरी की पूरी रकम क्या करना, मुझे एंडओवर कर देना, बिकॉज आई विल मेक द प्रॉपर यूज ऑफ इट, क्योंकि मैं इसका प्रॉपर यूज करूंगी, मैं इसका उचित उपयोग करूंगी। अब देखो आगे की कहानी कुछ यूँ है, आई लिसन टू ऑल दिस, मैंने ये तमाम बातें सुनी। आई लिसन ऑल द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी के समस्त तर्कों को सुना, एज इफ मानो मैं क्या था। इसका मतलब बच्चों ये कहता है कि जैसे कोई बलि का बकरा नहीं होता है, तो बलि के बकरी की तरह आई लिसन टू ऑल दिस, अर्थात मैंने इन तमाम बातों को सुना, लाइक मैंने होता की तरह इन इनोसेंट लैम्ब, अर्थात मैंने जो है एक इनोसेंट लैम्ब का मतलब होता है एक मासूम मेमना, मैंने एक मासूम मेमने की तरह इन तमाम बातों को सुना, मैंने एक मासूम मेमने की तरह इन तमाम बातों को सुना। लुकिंग इन टू द डार्कनेस, और मैं शून्य में घूरता रहा। आई केप्ट ऑन लुकिंग इन टू द डार्कनेस, मैं लगातार अंधेरे में घूरता रहा, जैसे कोई मरता हुआ मेमना, मासूम मेमना, बलि का जो बकरा होता है
वो क्या करता है, शून्य में घूरता रहता है और कसाई चाकू की धार लगाता रहता है, और धार लगाते लगाते वह उस कसाई को ये कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो। वो कसाई उस मेमने को ये कहता है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, मरने के बाद जो जो लोक तुमको प्राप्त होगा वो बड़ा शानदार लोक है, वह मजे मजे हैं, बस एक मिनट का ही तो काम, एक चुटकी के अंदर मैं तुमको मार दूंगा अभी, और उसके बाद में क्या होगा, पल भर के अंदर तुम मर जाओगे, और उसके बाद में जो दूसरा जहां तुमको मिलेगा, ठीक है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। तो ये संसार रूपी जो नदी है इसके उस पार जो दूसरा जहां है, जिस जहां में तुम जाने वाले हो, वो बहुत ही बेटर वर्ल्ड है, वो बड़ा अच्छा संसार है, इस तरीके की बातें जो उसको कहता है। आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम, मैंने इन तमाम बातों को सुना एक मासूम मेमने की तरह है, लुकिंग इन टू द डार्कनेस का मतलब शून्य में घूरते हुए, लुकिंग इन टू द स्पेस अंतरिक्ष के अंदर घूरते हुए, आई फेल्ट, मैंने ऐसे महसूस किया एज इफ, आई फेल्ट अर्थात मैंने महसूस किया एज इफ द बुचर वॉज शार्पनिंग हिज नाइफ, मैंने ऐसे महसूस किया मानो कसाई अपने नाइफ को अर्थात अपना जो मर्डर वेपन है अर्थात अपना जो हत्या का हथियार है उसको धार लगा रहा है, उसको पैना कर रहा है, हमिंग अ ट्यून, कोई गीत गुनगुनाते हुए, कोई नगमा गुनगुनाते हुए, वो तो मजे के अंदर जो है गीत गा रहा है, गीत गुनगुना रहा है, और गीत गुनगुनाते हुए वह क्या कर रहा है, वह हमिंग अ ट्यून का मतलब एक धुन को गुनगुनाते हुए वह अपने चाकू की धार लगा रहा है, एंड वेटिंग टू टियर मी इन टू लार्ज चंक्स, एंड ही इज ओनली वेटिंग टू टियर मी एंड ही इज गोइंग टू टियर मी, अर्थात वो मुझको फाड़ देने वाला है इन टू लार्ज चंक्स का मतलब जो बड़े बड़े मांस के लोथड़े हैं, अर्थात जो बड़े बड़े मांस के पिंड हैं, उन बड़े बड़े मांस पिंडों के अंदर या मांस के लोथड़ों के अंदर वो क्या कर रहा है, ही इज गोइंग टू टियर मी, अर्थात वो मुझको जो है फाड़ने जा रहा है, मुझे काटने जा रहा है, चंक्स ऑफ मीट यानी मांस के बड़े बड़े लोथड़े, एंड कंसोलिंग मी सेइंग दैट, और मुझे ये कहते हुए धैर्य दे रहा है, और मुझे ये कहते हुए सांत्वना दे रहा है, क्या क्या सांत्वना दे रहा है, दैट देयर इज अ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के उपरांत का जीवन एक बेहतर जीवन होता है, कि मृत्यु के उपरांत का जीवन बड़ा ही सुखद होता है, इस तरीके की बातें जो है वो कह रहा है, इस तरीके की बातें वह कह रहा है, और कहकर के मुझे क्या कर रहा है, मुझे जो है धैर्य दे रहा है। आइए बच्चों, राइटर कहता है गोन आर दोज डेज, गोन आर दोज डेज का मतलब वो दिन चले गए हैं, गोन आर दोज डेज का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वो मस्ती के दिन, वो आनंद के जो दिन हैं वो दिन चले गए हैं। जैसे बच्चों हरिवंश राय बच्चन की वो कविता नहीं है जिसमें वो कहते हैं जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो वो बातें, वो दिन जैसे थे वो बड़ी मस्ती के दिन थे, लेकिन वो दिन जो है अब चले गए हैं, गोन आर दोज डेज का मतलब वो दिन चले गए हैं, एंड गोन आर दोज फीलिंग्स और दिल के वो जज्बात चले गए हैं, वो दिन चले गए हैं, दिल के वो जज्बात चले गए हैं, when the word home filled my heart with emotion, जब घर शब्द क्या करता था, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो बच्चों घर क्या है, तो घर तो हमसे दूर है लेकिन घर क्या है, घर खुशी का पूर है, पूर का मतलब होता है हमको पूरी तरह से वो जो खुशियां देता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने। तो बच्चों जब भवानी प्रसाद मिश्र जेल में होते हैं तो बारिश हो रही होती है और उनको अपना घर याद आता, तो लिखते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। तो अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना, क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप है सब, रात वाली छाप है सब। तो बच्चों ये नॉस्टैल्जिया है, आदमी जेल में है, बारिश आ रही है और उसको अपना घर याद आ रहा है। इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार से हमारा जो बाबुली है वो भुवनेश्वर के अंदर रहता है, वही उसने पढ़ाई लिखाई की थी, एंड ही गॉट द सर्विस देयर, वहीं पर उसकी जॉब लग गई है, और बच्चों अब उसको अपना घर याद आ रहा है, और वो कहता है कि गोन आर दोज डेज, यानी वो दिन चले गए हैं, एंड गोन आर दोज फीलिंग्स ऑफ माई हार्ट, अर्थात मेरे दिल के वो जज्बात चले गए हैं, वेन द वर्ड हार्ट फिल्ड माई हार्ट विद इमोशन, वेन द वर्ड होम फिल्ड माई हार्ट विद इमोशन, अर्थात बच्चों होम माने आशियाना, होम माने घर, होम माने होता बच्चों हमारा नीड,
तो जो नीड अर्थात जो हमारा नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर तो नीड बच्चों हमारा घर होता है, हमारा घोंसला होता है, और उसको अपने घर का स्मरण हो रहा है, अपने घर की याद आ रही है, और वो कहता है वो दिन और थे। कौन से दिन और थे? जब घर शब्द को सुन करके मैं पुलकित हो जाता था, जब घर शब्द को सुन करके मेरी रोवाड़ी रोवाड़ी खड़ी हो जाती थी, अर्थात मैं रोमांचित हो जाता था, वो दिन और थे। एंड द अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, और स्नेह से भरा हुआ शब्द भाई, और स्नेह से भरा हुआ शब्द जो है भाई, व्हाट फीलिंग इट हैड, क्या भावनाएं इसमें रहती थी, और स्नेह से भरा हुआ शब्द भाई। भाई बोलते ही जो मुझे लगता था कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा संरक्षक है वो मेरा भाई है, अर्थात वो मेरी सुरक्षा करता है। और होता यह था कि भाई शब्द इतना अफेक्शनेट वर्ड हुआ करता था मेरे लिए कि व्हाट फीलिंग इट हैड, कि इसके अंदर गजब की भावनाएं हुआ करती थी। हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड विद लव, किस प्रकार से इस शब्द को सुनकर के मेरा दिल प्यार से धड़कने लगता था। बड़े भाई का नाम सुनते ही बड़े भाई का जो शब्द है ये बड़े बड़े भाई शब्द का उच्चारण मात्र होने से क्या होता था, माई हार्ट यूज टू पाउंड विद लव, मेरा दिल जो है माई हार्ट यूज टू पाउंड विद लव, अर्थात मेरा दिल जो है मेरी छाती प्यार से धड़का करती थी। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, अर्थात इन तमाम बातों को याद करते हुए आई फील वीक, आई एम फीलिंग माई सेल्फ वेरी वीक, मैं अपने आप को बेहद कमजोर महसूस कर रहा हूँ। पैथेटिक, मैं अपने आप को बेहद दयालु वो बहुत ही करुण महसूस कर रहा हूँ। बच्चों जरा ध्यान दो, शब्द क्या है? पैथेटिक, पैथेटिक, इसका मतलब होता है सिंपैथेटिक, अर्थात इस शब्द को सुन करके मैं अपने आप को कैसा महसूस कर रहा हूँ, सिंपैथेटिक। दूसरी एक बात और बच्चों, एक विशेष चीज आपको बताता हूँ, जैसे दोज, डेज, आर गॉन, वो दिन चले गए हैं, जा चुके हैं नहीं, अगर जा चुके होता तो मैं हैज का प्रयोग करता, जैसे ही इज गॉन, वो गया हुआ है, एंड ही इज गॉन, वो जा चुका है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों आपने क्या देखा कि जय मार के बाद में हमने किसका प्रयोग किया है? तो आप बच्चों ये देखो, इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, फिर ये क्या है बच्चों, ये जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं समझे बच्चों। ये देखो, दीज डेज, दोज डेज आर गॉन, यानी गॉन गॉन कौन, दोज डेज, तो ये क्या कर रहा है बच्चों, ये जो दोज डेज मानी सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको क्या दे रहा है, ये सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दिस इज गिविंग यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये वाक्य के कर्ता के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दैट्स व्हाई यू विल हैव टू कॉल इट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसलिए बच्चों आपको इसे क्या कहना पड़ेगा, आपको इसे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहना पड़ेगा। और बच्चों सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट पहचानने का एक तरीका ये भी है, यदि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट होता तो इस वाक्य का क्या बनता, जरा बताना बच्चों, पेशी वो ही बनता। ध्यान रहे, जिस किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट सेंटेंस शुड ऑलवेज बी चेंज्ड इनटू इट्स पेशी वॉइस, उस वाक्य का पेशी वॉइस बनेगा जरूर जरूर जरूर, इस वाक्य का पेशी वॉइस बन नहीं सकता है। दिस इज द प्रूफ, ये बच्चों इस बात का प्रूफ है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि ये ऑब्जेक्ट होता तो इसका पेशी वॉइस बनता। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, अब मैंने आपको कहा कि चलो इसका पेशी वॉइस बना के दिखाओ, आप नहीं बना सकते हो, ऐसे थोड़ी बनाओगे टीचर इज है ना बींग आई, ऐसे थोड़ी बनाओगे, बन नहीं सकता है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, क्योंकि सेंटेंस में क्या नहीं है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, एम इसमें वर्ब है, लेकिन ए टीचर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। बच्चों ये सब्जेक्ट के बारे में क्या दे रहा है जरा बताना, ये सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और बच्चों ये सनद रहे, ये आपको याद रहे कि एनी वर्ड दैट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा और एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कोई भी शब्द जो वाक्य के कर्ता के बारे में देता है आपको अतिरिक्त जानकारी, इस प्रकार के शब्द को बच्चों आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और हिंदी में आप उसको कर्ता का पूरक माने कर्तृपूरक कहते हैं, हिंदी में उसको कर्तृपूरक कहते हैं। ध्यान दो, जिस वाक्य में कर्तृपूरक तो होता है, मेरा मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट तो होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता, सच सेंटेंसेस कैन नेवर बी चेंज्ड इनटू देयर पेशी वॉइसेस, अर्थात ऐसे वाक्यों को कभी भी अपने पेशी वॉइस में बदला नहीं जा सकता है, क्रम वाच्य में बदला नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों, अब मुझे दूसरी बात और समझानी है, दो डेज आर गॉन, अब बच्चों मैं इसको आज ही ले रहा हूँ, गॉन गॉन, ठीक है, ये दिया मैंने, देखो जरा ध्यान देना, गॉन चले गए हैं, अब देखो दोज डेज आर गॉन, दोज डेज आर का मतलब वो दिन चले गए हैं, ये सेंटेंस बच्चों गलत है। नीचे वाला इसलिए गलत है
क्योंकि इस तरीके के वाक्यों में जब भी, जैसे बच्चों में आपको ये कहता हूँ कि आई एम ए टीचर और ए टीचर एम आई, ए टीचर आई एम नहीं होगा, ए टीचर एम आई। कविता में क्या होता है, पोयम्स में जब इस प्रकार के वाक्यों को हम स्पेशल तरीके से यूज करते हैं, तो बच्चों होता यह है कि जब आप सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को आगे लेके आओगे तो ये जो एच वी या जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब भी है यहाँ पर, तो बच्चों इसको एच वी नहीं बल्कि मेन वर्ब भी कहो, क्योंकि इस सेंटेंस में ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब की, मेन वर्ब का, इसे उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। अब बोलो गोन आर दोज डेज, गोन आर दोज डेज, और वो चिन्ह लगाओ जिसको बोलते हैं इंटरजेक्शन, गोन आर दोज डेज अर्थात वो दिन चले गए, गोन आर दोज डेज का मतलब होता है अर्थात वो दिन चले गए हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में बच्चों क्या होता है कि सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है, फिर भी ऐसे वाक्यों में जो एच वी होती है उसका इन्वर्जन होता है, माने जो सहायक क्रिया होती है वो उठ करके किसके पहले आती है, कर्ता के पहले आती है। क्लियर हो गया है, आगे और बढ़ाओ। हाँ तो बच्चों ये तो पूरा हो गया है, आगे देखना, वेयर इज द हार्ट गॉन, वेयर इज द हार्ट गॉन, वो दिल कहाँ चला गया है, वेयर इज द हार्ट गॉन का मतलब होता है बच्चों वो दिल कहाँ चला गया है ना, कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वो आशियाना, तो वो प्यार का आशियाना उजड़ गया है, वो जज्बात जो है बच्चों दिल के वो कहीं गुमशे हो गए हैं। सवाल ये है कि वो दिल कहाँ चला गया, वो जज्बात कहाँ चले गए हैं, तो वेयर इज द हार्ट गॉन, मेरा दिल कहाँ चला गया है, वेयर आर दोज डेज, वो मस्ती के दिन कहाँ चले गए हैं, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते इन आंखों की छाया भरते। तो बच्चों ये जयशंकर प्रसाद की कविता जो मैंने आपको सुनाई है जिसमें उन्होंने कहा है लहर काव्य संग्रह में कि वो कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते इन आंखों की छाया भरते, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, तो कितने भी सुंदर रहे वो दिन लेकिन अब वो नहीं है, तो वेयर आर दोज डेज गॉन अर्थात वो दिन कहाँ चले गए हैं, वेयर इज दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग अर्थात भावनाओं की सहजता, इसे महसूस करने की वो जो सहजता है गॉन कहाँ चली गई है, वेयर इज दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन अर्थात और इसे महसूस करने की और इसका एहसास करने की इसे रियलाइज करने की वो जो स्पॉन्टेनिटी अर्थात जो सहजता थी जो नेचुरलिटी थी वो नेचुरलिटी अब कहाँ चली गई है, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, ये सब बातें जो मेरे समझ में नहीं आ रही है, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड अर्थात मैं ठीक से इन बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ, हाउ ए स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ ए सडन बिकम सो इंटीमेट। यहाँ बच्चों ये कहा गया है कि आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है, आपके पिता ने आपको संस्कार दिए हैं, आपके बड़े भाई ने आपको परवरिश दी है, और एक अजनबी औरत जो सात फेरे खा करके तुम्हारी जिंदगानी में आ गई है, वो अचानक ऑल ऑफ ए सडन का मतलब यकायक वो आपको इतनी प्यारी कैसे हो जाती है, वो इतनी इंटीमेट अर्थात वो इतनी घनिष्ठ कैसे हो सकती है कि आप उसके लिए अपने उन तमाम रिश्तों को भुला बैठे, अपने उन तमाम रिश्तों को आप निग्लेक्ट कर दें, ये कैसी विडंबना है, व्हाट ए पिटी, व्हाट ए पिटी इज दिस अर्थात ये किस प्रकार की विडंबना है, ये भाग्य की कैसी विडंबना है। इसी का वर्णन है कि देखो क्या कहता है वो ये कहता है कि आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ अ स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ ए सडन बिकम सो इंटीमेट, ये बात मेरे जो है समझ में नहीं आ रही है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस दैट, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है दैट हाउ ए स्ट्रेंजर कुड, हाउ ए स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ ए सडन बिकम सो इंटीमेट अर्थात एक अजनबी जो कल तक हम जिसको जानते ही नहीं थे, घर वालों ने कहा भी तेरी शादी इसके साथ है, हमने उसको उससे पहले देखा भी नहीं था और ठक शादी हो गई, एंड ऑल ऑफ ए सडन और अचानक शी बिकेम सो इंटीमेट टू मी, वो मुझे इतनी प्रिय हो गई है, ओनली शेयरिंग लिटिल वार्म्थ, वो क्या करती है, न उसने हमको जन्म दिया है, न उसने हमको परवरिश दी है, न उसने हमको संस्कार दिए हैं, शी ओनली शेयर्स ए लिटिल वार्म्थ अर्थात वो जरा सी गर्माहट को क्या करती है, वो बांटती है, वो जरा सी शेयरिंग ए लिटिल वार्म्थ का मतलब जरा सी गर्माहट को बांट करके है ना, बाय गिविंग ए साइलेंट प्रोमिस ऑफ कीपिंग क्लोज और सदा तुम्हारे साथ रहने का एक मौन वादा करती है, वो सिर्फ आपकी जरा सी गर्माहट को शेयर करती है, आपकी गर्माहट को बांटती है और साथ ही साथ वो क्या करती है, और आपको मौनम स्वीकृति लक्षणम अर्थात एक मौन वचन देती है सदा साथ निभाने का, एक मौन वचन देती है और इतनी उसकी इन दोनों बातों में इतना जादू है अर्थात उस गर्माहट को, उस जरा सी गर्माहट को शेयर करना
और साथ ही साथ वह मौन वादा जो आपको आपका साथ निभाने तथा आपके करीब रहने का करती है, इन दोनों बातों में इतना असर है, इन दोनों बातों की इतनी तासीर है कि आप वो सारे रिश्ते भुला बैठते हो, जो रिश्ते जो इससे काफ़ी पुराने थे, और अगर वो रिश्ते नहीं होते तो आप नहीं होते, आपका वजूद नहीं होता, आपका एक्सिस्टेंस या आपका अस्तित्व नहीं होता। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके, फिर आज रूम में आपके सामने लेट अस कंटिन्यू द लेसन, पार्ट को हम आइए बढ़ा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ, लेकिन आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ, बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ। देखो बच्चों, आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ, ये जो सेल्फ शब्द है ना बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ का मतलब होता है आई बिकेम माई नॉर्मल पर्सनैलिटी, अर्थात मैं अपना जो सामान्य व्यक्तित्व है वो बन गया, या आप यूँ समझो कि मैंने अपने आप को क्या किया, मैंने अपने आप को सहज किया, मैंने अपने आप को क्या किया, मैंने अपने आप को जो है सामान्य स्थिति में कर लिया। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ का मतलब होता है बट आई पुट माई सेल्फ, आई केप्ट माई सेल्फ इन ए नॉर्मल कंडीशन, अर्थात मैंने अपने आप को नॉर्मल कंडीशन में कर लिया, मैंने अपने आप को सामान्य स्थिति में कर लिया। इन ट्विन डेज, ट्विन का मतलब जानते हो, जो जुड़वा बेटे होते हैं, जुड़वा बच्चे, बच्चे और बच्चियां, उसको आप ट्विन कहते हैं। तो ट्विन का मतलब टू से ले सकते हो आप। इन ट्विन डेज का मतलब होता है ये जो दोहरे दिन हैं, इन दोहरे दिनों में, अर्थात इन दो दिनों के अंदर, इन सिर्फ दो दिनों में ही, इन ट्विन डेज का मतलब होता है सिर्फ दो दिनों में आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ, यानी आई मेड माई सेल्फ इन नॉर्मल कंडीशन, मैंने अपने आप को सामान्य स्थिति में कर लिया। इन दो दिनों के भीतर भीतर मैंने अपने आप को सामान्य स्थिति में कर लिया। आई ग्रू यूज टू वॉट हैड बीन ए शॉक, आई ग्रू यूज टू का मतलब होता है बच्चों, आई ग्रू यानी मैं हो गया, और यूज टू का मतलब अकस्टम्ड। देखो बच्चों, यूज टू एक मॉडल है, ध्यान दो, यूज टू एक मॉडल है। देखो यह है यूज टू, वैसे तो एक मॉडल है, लेकिन इसका एक अर्थ ये भी होता है अकस्टम। तो देखो इसमें बताया गया है आई ग्रू, यानी आई सब्जेक्ट हो गया और ग्रू वर्ब हो गई, और ये यूज टू है बच्चों, ये एडजेक्टिव है इसमें। तो आप क्या कहोगे, ये आई ग्रू यूज टू, इसका मतलब होता है ये आई ग्रू अकस्टम, अर्थात में क्या हो गया, मैं आदि हो गया। आदि यानी जिसको किसी की आदत पड़ जाए उसको आप आदि कहते हैं। तो आई ग्रू यूज टू, अर्थात में आदि हो गया। वॉट हैड बीन ए शॉक,
व्हाट इज कॉल्ड ए शॉक अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, हम आघात या सदमा कहते हैं, अर्थात जिसे आप आघात या सदमा कहते हो का मैं आदि हो गया, जिसे आप आघात या सदमा कहते हो का मैं अभ्यस्त हो गया, अर्थात आघातों और सदमों का अब मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये बात तो दिल तोड़ने वाली थी, लेकिन जब मेरी पत्नी ने कहा कि कब हो रहा है बंटवारा, जल्दी से जल्दी कर लो और ये कर लो और वो कर लो, तो उसकी फिजूल की बातों को सुन करके क्या हुआ कि मैं इस प्रकार के सदमे को बर्दाश्त करने का आदि हो गया। लेटर ऑन यानी होता बच्चों बाद में, इन द मार्केट प्लेस यानी बाद में जब हम बाजार में साथ साथ गए, कदम से कदम मिलाते हुए, ताल ताल से ताल मिलाते हुए हम गए थे बाजार में, तो लेटर ऑन अर्थात बाद में, इन द मार्केट प्लेस अर्थात बाजार में, कीपिंग पेस विद माई वाइफ का मतलब होता है मेरी पत्नी से जो कदम से कदम मिलाते, तो ताल से ताल, कदम से कदम ताल मिलाते हुए हम दोनों मियाँ बीवी गए बाजार में, क्या देखने के लिए, वो सारा सामान छट्टिया देखने के लिए हम गए, दैट वी आर गोइंग टू परचेज, जो कि हम खरीदने वाले थे किससे, बाय दैट अमाउंट, उस अमाउंट से दैट वी आर गोइंग टू अचीव बाय सेलिंग अवर लैंड एट अवर विलेज, अर्थात गाँव के अंदर हमारी जो जमींदार थी उसको बेच करके जो रकम हमको प्राप्त होने वाली थी, उस रकम से हम कौन कौन से सामान लाएंगे, वो सारे सामान लाने के लिए हम पहले से बाजार में गए और एक एक सामान की हमने क्या पूछी, रेट पूछी, सिर्फ रेट पूछी, खरीदा नहीं, क्योंकि खरीदने के लिए पैसे भी आए ही नहीं, वो आएंगे तब देखेंगे। तो लेटर ऑन अर्थात बाद में, इन द मार्केट प्लेस अर्थात बाजार में, हाट में हम गए, हाट में है ना, कीपिंग पेस यानी कदम से कदम मिलाते हुए विद माई वाइफ अर्थात अपनी पत्नी से कदम ताल मिलाते हुए, आई इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट थिंग्स अर्थात अलग अलग चीजों की कीमतों के बारे में हमने पूछताछ की, I inquired about, I asked, yeah, I got information, अर्थात मैंने जानकारियाँ ली किसके बारे में, about the prices of different things और the various things, अर्थात अलग अलग चीज़ों की कीमतें हमने जानी, intended to buy, इसका मतलब होता है that we wanted to buy, जिसको कि हम खरीदना चाहते थे या जिन्हें खरीदने का हमारा क्या था, इरादा था, जिन चीज़ों को खरीदने का हमारा इरादा था उन तमाम चीज़ों की कीमतें जो है उनके बारे में हमने पूछताछ की। बाइंग अ फ्रिज वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन, इट वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन टू बाई अ रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर खरीदना तो करीब करीब तय था, गर्मी आ रही है, पत्नी कह रही है गर्मी आ रही है, एक फ्रिज की तो हमको दरकार है, और आप साइकिल के ऊपर दफ्तर जाते हो, आपको साइकिल पर दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीद लेना चाहिए, और न जाने क्या क्या बातें हैं, उसको तो सारी सुख सुविधाएँ चाहिए, चाहे उसके जेठ जेठानी जो है उनका सत्यानाश हो जाए, उसकी सासू का सत्यानाश हो जाए, देवर दौरानी से उसको कोई लेना देना नहीं है, शी इज नथिंग टू डू विद ऑल हर किन्स एंड किथ्स, अपने किथ्स एंड किन्स अर्थात अपने जो हैं किथ्स, समझ गए, पीर वाले नहीं ससुराल वाले, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है, और वह तो चाहती है कि बाइंग ए फ्रिज वाज ऑलमोस्ट सर्टेन, अर्थात एक फ्रिज खरीदना तो लगभग तय था, ए सेकेंड हैंड स्कूटर, एक पुराना स्कूटर भी खरीदना मेरे लिए जरूरी था, स्टीरियो सेट, एक स्टीरियो सेट होता है बच्चों, तो जानते हो आप स्टीरियो सेट, वो भी चाहिए था, एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड सम गोल्ड ज्वेलरी अर्थात सोने के कुछ आभूषण, सोने के कुछ जेवरात भी उसको चाहिए थे। अब बच्चे एक बात देखो, आप ऑर्नामेंट का तो ऑर्नामेंट्स हो गया है, ऑर्नामेंट माने आभूषण होता है और ज्वेलरी का मतलब भी आभूषण होता है, लेकिन अंतर आपको हम समझाते हैं, देखो बच्चों, जे E-W-E-L-L-E-R-I-E-S ज्वेलरीज, बच्चों ये शब्द कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, दिस वर्ड हैज बीन आस्क्ड इन सो मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, एक तो आपको दिया जाएगा शुद्ध करो का मतलब यू विल बी गिवन फोर ऑप्शंस, चार आपको विकल्प दिए जाते हैं, कहा जाता है इनमें से कौन सी स्पेलिंग शुद्ध है, तो ध्यान दो बच्चों, जे ई, फिर डब्ल्यू ई, और ये ई बच्चों यहाँ आपको दिया जाएगा ए, और आपको कहा जाएगा शुद्ध करो, तो ए को काट के क्या करना पड़ेगा, ई, ध्यान दो बच्चों, तीनों बार ई आ रहा, ट्रिपल ई है इसमें, ये स्पेलिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान दें, इसको याद कर लें, ज्वेलरी की स्पेलिंग में तीन बार ई आएगा और लास्ट में ए नहीं आएगा। दूसरी बात बच्चों, इधर देखो ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का मतलब भी क्या होता है, आभूषण होता है, यहाँ तो एस ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ एस गलत है, ये जो ज्वेलरी है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है इसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसका प्लूरल नहीं मिलेगा, शुद्ध क्या होगा जरा देखो, जे ई डब्ल्यू ई डबल एल ई आर वाई, ये शुद्ध है, ऊपर वाली ध्यान दो, ज्वेलरी का कभी बहुवचन नहीं बनता है, ज्वेलरी बच्चों इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, और जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो मुख्य मुख्य शब्द आते हैं उनका क्या नहीं बनता है, बहुवचन नहीं बनता है, परीक्षा में जो आते हैं बार बार वो कौन कौन से आते हैं देखो,
एस ई एन ई आर वाई, इसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा। यह है बच्चों एडवाइस, इसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा। और देखो इन्फॉर्मेशन, यह इन्फॉर्मेशन, इसका भी नहीं बनेगा। और देखो फर्नीचर, फर्नीचर इसका भी नहीं बनेगा। और बच्चों एक शब्द देखो पोएट्री। अब होता क्या है, सवाल आपको ये दिया जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर लॉन्ग मैनी पोएट्रीज, या रविंद्रनाथ टैगोर रॉट, रविंद्रनाथ टैगोर रॉट लॉन्ग पोएट्री, रविंद्रनाथ टैगोर रॉट ए लॉन्ग पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। अब बच्चों एक का प्रयोग भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि पोएट्री है, ये पोयम नहीं है। पोयम का प्लूरल पोयम्स होता है, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज कभी नहीं होता है, क्योंकि ये तो भाववाचक संज्ञा है। दूसरी देखो फर्नीचर, आई हैव सोल्ड माय ओल्ड हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर्स, इसमें से बच्चों फर्नीचर्स में से ऐसा टेगा, आई हैव सोल्ड माय ओल्ड हाउस विद ऑल इट्स फर्नीचर, अर्थात मैंने अपने पुराने घर को समस्त उपस्कर सहित बेच दिया है। उपस्कर बोलते हैं बच्चों हिंदी में, आप नहीं जानते होंगे, ये संभव नहीं है, आप तो क्या बड़े बड़े और भी लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो भी नहीं जानते होंगे ये शब्द बच्चों उपस्कर। इसको शुद्ध हिंदी में जो फर्नीचर शब्द है इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है उपस्कर। फर्नीचर तो कोई भी जानता है, उपस्कर तो बहुत कम लोग जानते हैं। इन्फॉर्मेशन यानी सूचना होता है। तो मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपको कहा कि दोज इन्फॉर्मेशंस वर नॉट ट्रू, तो बच्चों मैंने इन्फॉर्मेशंस गलत बोला है, मुझे कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, मुझे ये कहना पड़ेगा कि दिस इन्फॉर्मेशन या दैट इन्फॉर्मेशन, वर की जगह वाज करो, दैट इन्फॉर्मेशन वाज नॉट ट्रू, इसका प्लूरल नहीं बनता है। जब मैं कहता हूँ कि आपकी नेक सलाह के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई थैंक यू फॉर योर काइंड एडवाइसेस, एडवाइसेस नहीं आएगा, आई थैंक यू फॉर योर काइंड एडवाइस। और बच्चों जब मैं आपको कहता हूँ कि द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, जम्मू कश्मीर की सीनरी बेहद चार्मिंग है, बड़ी आकर्षक है, तो सीनरीज नहीं सीनरी का प्रयोग होगा। तो बच्चों आप इस बात को समझें कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, दे कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू देयर प्लूरल फॉर्म, उनको उनकी प्लूरल फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइसेज, अर्थात मैंने कीमतों की क्या बनाई, एक फहरिस्त बनाई, मैंने कीमतों की एक फहरिस्त बनाई, यानी मैंने मूल्यों की एक सूची बनाई। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी, अर्थात वो मुझको याद दिलाती रही अबाउट हर इंटेंशंस, यानी अपने इरादों के बारे में, वह मुझे अपने इरादों के बारे में याद दिलाती रही। एंड वो शोइंग ए लॉट ऑफ इम्पेशेंस, और वह बहुत ही उतावलापन दिखा रही थी, वो बहुत ज्यादा अधीरता दिखा रही थी। कब मैं गाँव जाऊं, कब अपनी जमींदरा को बेचूं, और कब उसके बदले 20,000 रुपये मेरे हाथ में आए, और कब ला करके मैं अपनी बीवी की हाथों में थमा दूं। वो इन सब चीज़ों के लिए बेकरार थी। क्या थी बच्चों, वो सदियों से जो है मेरा घर जो है उसको, मेरा घर जो है वो बटे, उसमें पार्टीशन हो, उसके लिए वो सदियों से बेकरार थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, अर्थात बच्चों ये शनिवार का तीजा पहर था, ये शनिवार का तीजा पहर था, तीजा पहर का मतलब दोपहर के बाद वाला समय था। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, अर्थात मैं अपने गाँव के लिए चल दिया। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, अर्थात मैं अपने गांव के लिए चल पड़ा। द सेम बस, अब बच्चों वही वाली बस, कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने पता नहीं देखी नहीं देखी, निकाह मूवी है हिंदी में, तो उस निकाह मूवी में क्या होता है कि एक्टर जो है, एक जो उसकी एक्टर जो नायिका होती है उसकी शादी होती है, अब वो अपने पति के साथ जब जाती है तो वही समुद्र का किनारा, वही होटल का किनारा, वही सारी दृश्य, फिर उसकी परिस्थितियों बस जब दोबारा शादी होती है तब भी वो क्यों नजारे। तो बात दरअसल ये है कि जब हमारा लेखक गाँव से शहर में आता था तो एक टूटी खटारा बस में बैठ करके आता था, वही बस, वही सीट, वही सड़क, वही पेड़। और बच्चों क्या हुआ, अचानक उसको वो सारी बातें याद आ गई। द सेम बस, अर्थात वही वाली बस, वॉज देयर, सेम बस वॉज देयर, अर्थात वही बस वहां पर थी। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग यानी प्रेरणा देते हुए, इंटाइल, इंस्पायरिंग इंटाइल द ऑल फेमिलियर फीलिंग, इंस्पायरिंग इंटाइल का मतलब होता है बच्चों सिलसिलेवार, कंटिन्यूसली, अर्थात सिलसिलेवार वो क्या कर रही थी, मुझे यादें दिला रही थी, किसका, ओल्ड फेमिलियर फीलिंग, अर्थात पुरानी जो चिर परिचित भावनाएं हैं, जो मेरे पुराने जज्बात हैं, उनकी मुझे सिलसिलेवार क्या कर रही थी, वो याद दिला रही थी। आई रश टू ऑक्यूपाई द सीट, आई रश यानी मैं भागा, टू ऑक्यूपाई का मतलब होता है टू टेक द सीट, अर्थात बस वो सीट लेने के लिए, जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, यानी ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट के ऊपर मैं अक्सर बैठा करता था। तो मेरी तो आदत थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ लेकिन आदत फिर भी वैसी की वैसी है,
आप जानते हैं कि बंदर चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाए परंतु वह है। तो बच्चों आप जानते हो कि द सेम बस वॉज देयर अर्थात वही बस वहाँ खड़ी थी, इंस्पायरिंग इन टाइल द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग अर्थात वो सिलसिलेवार मुझे तमाम पुरानी बातों की यादें दिला रही थी, याद दिला रही थी। आई रश टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, ड्राइवर के ठीक पीछे वाली जो सीट है उसको प्राप्त करने के लिए मैं तेजी से लपका। विच वॉज माई फेवराइट सीट, विच वॉज माई फेवरेट सीट अर्थात जो मेरी पसंदीदा, जो मेरी प्रिय सीट या मेरी जो है पसंदीदा सीट हुआ करती थी, हिन मयरी और उसी हड़बड़ी के अंदर। बच्चों हड़बड़ी में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। अब ये जल्दीबाजी में गया तो दरवाजे से जाकर के क्या हो गया, ठुक गया। तो इसका जो कहने का मतलब, ये पाँव का जो भाग होता है जिसको हम बोलते हैं ढांकनी, तो ढांकनी के ऊपर चोट लग गई है ना। तो देखो इन भाई हरी अर्थात उस हड़बड़ी के अंदर उस जल्दीबाजी में क्या हुआ, ब्रूस्ड अर्थात में क्या हो गया, मैं जट टकराया माई नी अर्थात मेरी जो घुटने हैं ना, घुटने है ना, घुटने वो टकरा गए अगेंस्ट द डोर, मेरे घुटने दरवाजे से टकरा गए और पाँव के बीच का हिस्सा जिसको आप ढांकनी कहते हैं पर क्या आग लग गई, चोट लग गई, उस पर चोट लग गई, इट हर्ट मी, इससे मुझे चोट लगी। द ब्रीफ केस फेल ऑफ और हाथ में से छूट करके क्या हुआ, अटैची जो थी संदूक वो हाथ में से छूट करके गिर गई, यानी ब्रीफ केस हाथ में से छूट करके गिर गया था। एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज, और भगवान लिंगराज का प्रसाद है मीट फॉर माई डियर मदर, जो मेरी माता के लिए, जो मेरी प्रिय माँ के लिए अभिप्रेत था, यानी भगवान लिंगराज का प्रसाद जो मेरी माँ के लिए अभिप्रेत था, वह प्रसाद जो है वो उसकी किस्मत एक पुड़ी में था पाउच में, तो वो पुड़ी में से प्रसाद की पंजीरी भी बिखर गई है ना, वो जो स्केटर्ड ओवर द ग्राउंड अर्थात वो ग्राउंड के ऊपर पूरे प्रसाद की पंजीरी फैल गई है ना। लिंगराज भगवान के प्रसाद की पंजीरी थी, दैट वॉज स्पेशली दैट वॉज मीट फॉर माई डियर मदर, जो मेरी प्रिय माँ के लिए मैं लेके जा रहा था, तो प्रसाद की पूड़ी बिखर गई और सब काम तीतर बितर हो गया, सब काम तीतर बितर हो गया। आई फेल्ट एज इफ, मैंने ऐसा महसूस किया मानो द एंटायर बस वॉज स्क्रीचिंग, ऐसा प्रतीत हुआ मुझको जैसे पूरी बस ही आर्तनाद कर रही हो। जैसे आपको पता कुरुक्षेत्र के अंदर जब सारी योद्धा मर गए और स्त्रियाँ क्या कर रही थी, आर्तनाद कर रही थी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी बस आर्तनाद कर रही हो। इसमें बच्चों मानवीकरण अलंकार है, इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। पर्सनिफिकेशन का मतलब जानते हो, जब बातें निर्जीव हो लेकिन आप उसको किसी पर्सन के समान, किसी व्यक्ति के साथ समान बर्ताव करता हुआ दिखाते हैं, तो सच मतलब दैट फिगर ऑफ स्पीच इज नॉन टू बी पर्सनिफिकेशन, उस फिगर ऑफ स्पीच को आप क्या बोलते हो, पर्सनिफिकेशन कहते हो। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो बस पूरी आर्तनाद कर रही थी अलाउड अर्थात जोर जोर से, द क्वेश्चन अर्थात इस प्रश्न के ऊपर आर्तनाद कर रही थी कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स यानी कितने सालों के बाद, यू हैव नॉट बोदर्ड इन द लीस्ट, तुमने जरा भी परवाह नहीं की थी टू रिटेन दैट टेंडर लव अर्थात उस कोमल प्यार को बनाए रखने की, है ना, यू हैड जो तुम्हारे दिल में था, इन योर हार्ट तुम्हारे दिल में था फॉर योर होम अर्थात तुम्हारे घर के प्रति तुम्हारे दिल में जो नाजुक मोहब्बत थी, जो प्यार, जो कोमल प्यार का भाव था, उसको जो है कितने कम समय, कितने जरा भी जो है तुमने उसकी परवाह नहीं की और तुमने उसको बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रखा। इंस्टेड यू हैव सोल्ड इट टू द बूचर, बल्कि तुमने तो इसको किसी कसाई को बेच दिया टू हेल्प योर सेल्फ बिकम ए सिटी बाबू, ताकि तुम एक सिटी बाबू बन सको, शहरी बाबू बन जाओ, तुम एक शहरी बाबू बन सको। और इसके लिए तुमने क्या किया, अपने जितने भी दिल के जज्बात थे उनको किसी कसाई को बेच दिया। कर्स ऑन यू, लानत है तुम पर, कर्स ऑन यू, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें सो सो बार धिक्कार है। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यहीं समाप्त और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार। Thank you.